हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमे फिल्म माय नेबर टोटोरो के बारे में। वैसे तो इस फिल्म को जापान में 1988 में रिलीज़ कर दिया गया था, बट अब फाइनली इस मूवी को हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। तो मैंने ये मूवी देखी और इसके स्पॉइलर फ्री रिव्यू आज वीडियो में मैं करने वाला हूँ। कैसी है ये मूवी और आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। माय नेबर टोटोरो ये एक एनिमे मूवी है और इसको 16 अप्रैल 1988 में जापान में रिलीज़ किया था। ये जीबली स्टूडियो के अंडर बनी थी। इसका जापानीज नेम है टोनारी नो टोटोरो। फिल्म को डायरेक्टर हैं और राइटर हैं हायायो मियाज़ाकी। हायायो मियाज़ाकी ने अपने करियर में कई सारी बेस्ट एनिमे मूवीज़ दी हैं और माय नेबर टोटोरो को उन्हीं में से एक बेस्ट मूवी माना जाता है। ये फिल्म जब रिलीज़ हुई थी इनने कई सारे अवार्ड्स भी जीते थे, जिसमें इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर अवार्ड भी है। तो अब बात करते हैं फिल्म के प्लॉट के बारे में। क्या आपको पता चल सके क्या फिल्म में आपको किस टाइप की स्टोरी देखने को मिलने वाली है? सात्सुकी, उसकी छोटी बहन मे, दोनों ही अपने फादर के संग एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं और कुछ चीज़ों के चलते दोनों ही बहनें उस घर को हॉन्टेड हाउस भी बुलाती हैं। यासुको, उनकी मदर जो कि हॉस्पिटल में है उन दोनों ही बहनों से दूर क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, जिस वजह से सात्सुकी और उसके फादर के ऊपर घर की जिम्मेदारी है और घर को मैनेज करते हैं सात्सुकी, जो कि अपनी छोटी बहन मे का भी ध्यान रखती है। दोनों ही बच्चे अकेले हैं अपनी माँ से दूर और इसी के चलते वो दोनों धीरे धीरे इमेजिनेशन दौड़ाना शुरू कर देते हैं। इनकी इमेजिनेशन में टोटोरो नाम का एक क्रिएचर है जिससे इनकी दोस्ती हो जाती है। अब बात करते हैं पहले टोटोरो की। तो टोटोरो के पास एक कैट बस है और उसके पास जादुई पावर्स भी हैं, जिसमें वो उड़ भी सकता है और खेती भी कर सकता है गाइस। तो इन दोनों की इमेजिनेशन में टोटोरो से इनकी दोस्ती हो चुकी है और फिर इनकी फ्रेंडशिप कहाँ तक जाती है और क्या ये टोटोरो इमेजिनेशन ही है या फिर रियल, ये जानने के लिए तो आपको फिल्म को ही देखना पड़ेगा। माय नेबर टोटोरो ये 1988 में रिलीज़ हुई जापान में और ये मूवी काफ़ी हिट रही। जिबली स्टूडियो की सबसे ज़्यादा हिट फिल्म भी इसे माना जाता है। फिल्म का जो कैरेक्टर टोटोरो है वो काफ़ी फेमस हुआ, उसके मर्चेंडाइज भी काफ़ी बिकते थे और जिबली स्टूडियो जिसके लोगों में भी हमें टोटोरो देखने को मिलता है। यूँ तो हायो मियाज़ाकी ने अपने करियर में कई सारी बेहतरीन फिल्में दी हैं, बट माय नेबर टोटोरो का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी यूनिक है और जिसकी वजह से आप इस फिल्म से शुरू से ही जुड़े रहेंगे और आपको ये फिल्म पसंद आएगी। फिल्म का कॉन्सेप्ट आपको बांध के रखेगा और कहीं भी आप फिल्म से बोर नहीं होंगे। बात करो अगर फिल्म के एनिमेशन की तो वो तो इतना बढ़िया है कि आपको पता नहीं चलता कि ये फिल्म 1988 की है। फिल्म का एनिमेशन बहुत बढ़िया है। आज भी आप इस फिल्म को आप देखेंगे तो आपको ये फिल्म उतनी ही पसंद आएगी जितनी पहले आती होगी, या अगर आपने पहले कभी नहीं देखी तो आपको ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। फिल्म की अच्छी बात यह है कि फिल्म शुरू से ही अपने प्लॉट को पकड़ लेती है और एंड तक अपने प्लॉट के संग ही चलती है। कहीं भी फिल्म स्लो नहीं होती या कहीं भी हमें बोर नहीं करती और इतना ही नहीं, ज़बरदस्ती मूवी को खींचा नहीं गया है, फालतू के कैरेक्टर्स या फालतू के सीन ऐड नहीं किए गए हैं और शुरू से ही फिल्म प्लॉट से चलती है और एंड तक प्लॉट तक ही रहती है। ज़बरदस्ती फिल्म को लंबा नहीं किया गया है, जो कि इस फिल्म की एक अच्छी बात है। और फिल्म के कैरेक्टर्स जिनको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है, हर एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो कि फिल्म पे वेस्ट किया गया हो। सभी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है और सभी कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है और सभी कैरेक्टर आपको पसंद आएंगे, स्पेशली सात्सुकी और उसकी छोटी बहन मे और टोटोरो। इन तीनों का कैरेक्टर तो आपको डेफिनेटली बहुत ही पसंद आएगा फिल्म में। पहले मूवी जैपनीज और इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल थी, बट अब ये हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दी गई है। और बात करोगे इसके हिंदी डब की तो इसका हिंदी डब बहुत बढ़िया है। आप इस मूवी को इजीली हिंदी डब में देख सकते हैं क्योंकि हिंदी डब नेटफ्लिक्स की तरफ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। तो ओवरऑल फिल्म अच्छी है। ज़बरदस्ती वीडियो का लंबा करके कोई फ़ायदा है नहीं, मुझे फिल्म पसंद आई, मैं इसको दूंगा 4.5 स्टार्स। आपने अगर ये फिल्म देखी तो मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक नई मूवी नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पे अभी ये हिंदी डब में अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है आपके पास तो आप ये मूवी इजीली देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया, रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के संग। जय हिंद, वंदे मातरम।